सूबे के सिविल सर्जनों सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम शीर्षस्थ आला अधिकारियों सहित विदेशी प्रोफेशनलों का जमावड़ा पीएमसीएच सभागार में हुआ। मौका प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने का था। स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया कि कई चिकित्सक अच्छा कार्य क्यों नहीं कर पा रहे। सेंटर के प्रभारी है, ऐसे लोग भी उसमें रहेंगे और विभाग के कुछ पदाधिकारी रहेंगे। ये तीन तरह की व्यवस्था करके और उनके द्वारा जो परामर्श आएगा, हम इसको एक 10 पायलट प्रोजेक्ट आने वाले कुछ महीनों में जल्दी से जल्दी, वो पायलट प्रोजेक्ट भी हम विभिन्न प्रमंडलों में, इसको हम विभिन्न मेडिकल कॉलेज के द्वारा इसको चलाने की हमारी इच्छा है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए परामर्श कमेटी बनाने की भी बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही। किन किन लोगों से ये कमेटियां बनेगी ये भी उन्होंने बताया। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हम वो कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा, उसको भी हम लगा रहे हैं और उसके द्वारा भी हम चिन्हित करते हैं। और आने वाले दिनों में डॉक्टर्स को भी अपने व्यवहार में काफ़ी लोगों ने परिवर्तन किया है और डॉक्टर स्वयं संवेदनशील पहले से भी थे और भी संवेदनशील आगे बन करके और समाज के अंतिम पौदान पर बैठे हुए व्यक्ति का जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाए, जो सरकार की मंशा है, उसको हम इन्हीं चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के द्वारा हम उसको पूरा करें। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुधारने की नसीहत दे रहे थे तो दूसरी तरफ कई डॉक्टर खर्राटा बनते दिखे। खर्राटा चलता रहा और स्वास्थ्य मंत्री का भाषण भी। दोनों तस्वीर एक साथ देख आप भी यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे सुधरेगी बिहार की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था। ये भी सोचिए कि डॉक्टरों को नींद क्यों आ रही है। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत की रिपोर्ट।